धान की सीधी बिजाई भाग नंबर 4 में आज हम बात करेंगे DSR तकनीक से। अगर आपने धान की बिजाई की है उसके बाद में आपके यहाँ खरपतवार उग जाते हैं, तो उगने के बाद में हमें जो खरपतवार की रोकथाम है वो कैसे करनी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य तौर पर हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये कि हमारे खरपतवार की स्टेज कितनी है, दूसरा मिट्टी के अंदर नमी कितना है, तीसरा हर्बिसाइड का छिड़काव करने के कितने घंटे या फिर कितने दिनों बाद हमें जो पानी है वो खेत के अंदर देना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हो तो आप अपने खेत के अंदर जो खरपतवार नियंत्रण की समस्या है उससे छुटकारा पा लोगे। DSR में 2 तरह के जो हर्बिसाइड है वो खरपतवार के ऊपर अच्छे तरीके से रोकथाम करते हैं। पहला इसके अंदर है डव कंपनी या फिर ड्यूपोंट का विवाया, दूसरा अपना आता है नोमनिकोड। ड्यूपोंट का जो विवाया प्रोडक्ट का नाम आपको बता रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट है वो DSR के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पिछले वर्ष भी बहुत से किसानों ने शायद इसे प्रयोग भी किया हो। नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपके यहाँ जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिला है। हालांकि दोनों तरह के जो हर्बिसाइड है उनको प्रयोग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो खरपतवार है वो 1 से लेकर 3 पत्तियों के बीच में हो, दूसरा मिट्टी के अंदर नमी हो। इसका स्प्रे करने के बाद में आपको 4 दिन के बाद में जो खेत में पानी है वो देना है। ड्यूपोंट का जो विवाया है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो छिड़काव है वो करना है, और जो नोमनिकोल्ड है उसका जो छिड़काव है वो आपको करना है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों में से किसी एक हर्बिसाइड का आपको प्रयोग करना है। सबसे मैं बेस्ट मानूंगा ड्यूपोंट कंपनी का विवाया, क्योंकि इसके अंदर जो कम्बिनेशन है वो 2 टेक्निकलों का कम्बिनेशन है जो कि प्री एंड पोस्ट हर्बिसाइड के रूप में काम करते हैं। सभी तरह के जो खरपतवार है उन्हें आसानी से रोकथाम कर लेते हैं। हालांकि ध्यान रहे खरपतवार की जो स्टेज है वो 1 से लेकर 3 पत्तियों के बीच में हो। अक्सर क्या होता है कि किसान क्या करते हैं, खरपतवार की जो स्टेज है वो 4 से 5 पत्तियों के बीच में चली जाती है या फिर इससे भी बड़े हो जाते हैं। अगर आपका खरपतवार 5 पत्तियों से बड़ा हो जाता है उसके बाद में मेरे हिसाब से कोई ऐसे टेक्निकल नहीं है जो खरपतवार के ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं। हो सकता है कई बार कि खरपतवार जो है वो हल्का पीला पड़ जाए, उसके बाद में वो फिर से हरा हो जाता है, यानी कि संपूर्ण रूप से जो खरपतवार का नियंत्रण है वो नहीं हो पाता। कृपया करके कमेंट करना कि पिछले वर्ष आपने खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया है और उसका जो रिजल्ट है वो कैसा लगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बार इसी दवा का प्रयोग करें, अगर आपने पिछली बार कोई और टेक्निकल यूज़ किया है उसका रिजल्ट आपके यहाँ अच्छा देखने को मिला है तो आप उस टेक्निकल को रिपीट भी कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।